नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज आपके चैनल में आर्यवर्त ट्यूटर्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय के बारे में। सो आज मैं शक्ति बर्तिया आप सभी के समक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको जल्दी मिले। सो स्टार्ट करते हैं। समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अंबेडकर जयंती 2021, हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। केंद्र सरकार ने इस दिन बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के मौके पर सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी की घोषणा की है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उनका मूल नाम भीमराव था। अंबेडकर के पिता रामजी वलत मालोजी सकपाल महू के ही मेजर सूबेदार के पद पर तैनात थे। अंबेडकर का परिवार मराठी था और वह मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबडवेकर गांव के रहने वाले थे। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। स्कूल में उनका उपनाम गांव के नाम के आधार पर आंबडवेकर लिखवाया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षक ने आंबडवेकर को अंबेडकर कर दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई थी। अंबेडकर ने बंबई के एल्फिनॉस्टन स्कूल से 1907 में मैट्रिक पास की। 1912 में अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर मुंबई विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही की वजह से अंबेडकर फारसी लेकर पास हुए थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। अंबेडकर के पिता कबीरपंथी थे। महार जाति के होने की वजह से अंबेडकर के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की बल्कि स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री बने, भारतीय संविधान का निर्माण किया। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आखिरी किताब कौन सी थी। तो अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से बीए पास किया और बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ जी की पुनः फेलोशिप पाकर एमए में दाखिला लिया। 1915 में अंबेडकर ने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य पर लिखा। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी में अंबेडकर का शोध विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। अंबेडकर को लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि दी। 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जीवन भर समाज में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अंबेडकर जयंती 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद हो गई थी संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु। हमें पता होना चाहिए कि 29 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के अंबेडकर को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। द बुद्ध एंड हिज धम्म इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अंबेडकर जी का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है द बुद्ध एंड हिज थम इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद जो है अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं के वह जानकार थे। आज समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ
भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान प्रमुख वास्तुकार भी थे। देश के संविधान को आकार देने वाले अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल साल 1851 में हुआ था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस लड़ाई को धार दी। वे महार जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना जाता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया था। आर्थिक मुश्किलों के साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों का सामना किया और उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास भी किए। उसके बाद अक्टूबर 1956 में उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनका मानना था कि मानव प्रजाति का लक्ष्य अपनी सोच में सतत सुधार लाना है। डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी 9 साल की उम्र में रमाबाई से हुई थी। रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सविता से धर्म विवाह किया था। अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता का निधन वर्ष 2003 में हुआ था। बीआर अंबेडकर को आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। उन्हें कहा जाता है कि वे 9 भाषाओं के जानकार थे। इन्हें देश विदेश से कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानद उपाधियां मिली थी। इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। हमें पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, अंबेडकर जी का कहना था। अंबेडकर जिस ताकत के साथ दलितों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें एकजुट करने और राजनीतिक सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने में जुटे थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी भी उन्हें रोकने के लिए जोर लगा रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद जब अंबेडकर जी को भरोसा हो गया कि वे हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियों दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। हिंदू कोड बिल पर विरोध। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था वो था हिंदू कोड बिल का विरोध। आजादी के बाद पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने और नेहरू जी की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। खुद नेहरू जी भी तब अपनी पार्टी के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बढ़ते दबाव के सामने झुकते नजर आए थे। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़े कि अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ और इससे हिंदू महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव भी आया, लेकिन अंबेडकर जी के बिल से ये कई मामलों में लचीला था। हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा विरोध जो है हिंदू कोड बिल का बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किया था। उम्मीद है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और ऐसी ही कुछ अनोखी जानकारियों के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।